आपका स्वागत है और आज हम लोग जा रहे हैं जियारत पे। अब हम लोग कहाँ जियारत पे जा रहे हैं पांच के फ्रेंड्स आपको बताते हैं। अम्मा भी आ रही है वहाँ। हम वही तो कह रहे पहले देख लो टेस्ट करके अच्छी बने तो चाट ले लो। भाई चाट लेंगे अर्ची नम्रा अपी वजू कर रही हैं ज़ियारत के लिए और नमाज़ पढ़ने जा रही हैं और हम भी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड। और इसके बाद हम आए बेबे शरीफ और इसके बाद में हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद में फ्रेंड्स इसके बाद में माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है बाबा की दरगाह देखो रोशनी में। ये पेड़ लग दो जब कव्वालियों में या किसी मूस में आता है यही तो पेड़ आते हैं। अभी तो ये बैक का है फ्रेंड का सामने का और अच्छा है। दिवाली तक चलती थी आगे तो ये लोग फाइनली चादरें लेके निकल रही हैं दरगाह के लिए। ये नम्रा खा रही हैं आइसक्रीम चोकोबार। इनका काम शुरू हो जाता है। हाँ बेटा दे दो 10 रुपए। हाँ दे रहे नम्रा। कितनी खूबसूरत लग रही है देखिए माशाल्लाह। आपकी सजावट नहीं है? हाँ सजावट नहीं हुई पता नहीं क्यों ना तो 12 फात की सजावट रहती है। हाँ नम्रा आ गई। नम्रा ही है तना सब लोग दे रहे हैं पता चला इधर उधर नहीं हो जाए कोई। भाई कहाँ भाई, भाई, भाई? हाँ भाई को बुला दो। बच्चू रुको अभी भाई को बुला ल। दादा अब इस टाइम रश कम हो गया ना थोड़ा पहले से काफ़ी कम हो गया। बस और सन्नाटा होगा रात में फिर मार्केट करेंगे इसकी छुटर फुटर की। भाई ये फोटो क्लिक करा रहे हैं मस्जिद के सामने। इस साइड से बोलता है थोड़ी सी रोशनी कम आएगी थोड़े ब्लैक ब्लैक आएगा ताकि वो पड़ रहा अक्स। बहुत खूबसूरत लग रही है। सब हम लोग थक चुके हैं यहाँ बहुत बुरी तरह से और हम जा रहे हैं एसी रूम लेने ताकि हम लोग को गर्मी यहाँ पे बहुत लग रही है। पहले हम लोग ने सोचा था एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मैं फ्रिज के कार्ड में नम्मा
गाइस हम लोग जा रहे हैं होटल में और ये लोग जा रही हैं अपना अपना सामान लेके अपनी लोकेशन में। आपको अपनी लोकेशन मिल गई? तुम लोगों को अपनी लोकेशन मिल गई? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? काफ़ी सामान ले आई हैं आप लोग तो। तीन बेड शीट लाई हैं, अरसी को साफ सफाई चाहिए रहता है, एक दो नहीं तीन बेड शीट लेके आई हैं और ये तीन डलियाँ ले आई और राजा जा रहे हैं। ये बेड शीट की ज़्यादा चाहिए। राजा अपनी ससुराल जा रहे हैं झोला लेके। बीवी बच्चों का पता नहीं है पर अपनी ससुराल जा रहे हैं झोला। राजा, ए राजा। गाइस तो हम लोग ने लिया होटल, तो हम लोग अपने ज़ियारत करने के बाद बाबा की दरगाह से तो हम लोग अपने होटल पे आ गए हैं, तो हम लोग अपने रूम पे चलते हैं। ये आ गए हम लोग अपने फैमिली रूम, थक गए। एसी भैया चालू करवाओ फटाफट कर दो। ये अप्पी लेट गई हैं सोफे में, लेट गई हैं, बिस्तर नहीं बिछाया। ये अम्मा लेटी हैं, एसी चल नहीं रहा, एसी बहुत स्लो चल रहा है, एसी स्लो चल रहा है। ये आफ्ताब भाई लेटे, आफ्ताब भाई लेटे हुए, तना सोने लगी है और अरसी बैठी है। अरसी की दुनिया में आपका स्वागत है। ये रूम में आए तो यहाँ पे लाइट आइट तो है, सब कुछ है, बढ़िया है। और ये अम्मा भी लेटी हैं, आराम फरमा रही हैं। ये अरसी लेटी है, ये तनस है, ये अप्पी लेटी हुई। लेकिन बात ये है ना कि जो एसी है ना वो कूलिंग दे नहीं रही है और वो कह रहा रिमोट खो गया। जब रिमोट खो गया तो एसी ना चला तो बेकार है, तो अब वो रिमोट ढूंढ के ला रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। ये राजा के एसी को बढ़ा रहे हैं, राजा 16 पे करने की कोशिश कर रहे हैं। 25 पे चल रही थी, अब राजा 16 पे करी है। आरसी और राजा पूरी कोशिश कर रहे हैं। नम्रा क्या कर रही है? देर हम लोग आ गए अपने रूम में और एसी बहुत देर के बाद कूलिंग हुई, अब पूरी तरह से कूलिंग कर लिया था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला यहाँ पर। बहुत देर बाद कूलिंग हुई थी। हाँ। और नम्रा जो है, और ये झूमर अच्छा लग रहा है ना? झूमर अच्छा लग रहा है। हाँ, ये झूमर अच्छा लग रहा है इसका। जिसका किचन एरिया है, किचन एरिया इसकी ने दिया तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये किचन, इसकी लाइट यहीं कहीं से जलती है, अभी तो अंधेरा है, अंदर से जलती थी। अंदर राजा कह रहा है चाय बनाओ। हाँ, राजा कह रहा है चाय बनाओ, कह रहा चाय नहीं बनाओ। इतना तो राजा चाय ठीक है, वो अच्छा सही। अब नहीं, अब कूलिंग हो, अब टेम्परेचर आ रहा है। रूम अच्छा था ना वैसे? हाँ, रूम सही था, रूम अच्छा था ना। ये हम लोगों ने नीचे डाल दी, लेकिन ये वाला फैन चलते चलते बंद होता है। ये बंद हो जाता है। ये राजा ने वहीं से बुक कर दिया था ना? वो वाला नहीं, जो बुक किया था वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर। हमें इसका सबसे अच्छा ये लग रहा है जूम, और इसका रिंग सर्कल भी अच्छा लग रहा है। देखो है, अम्मा सो गई हैं, अम्मा सो गई, थकी हुई हैं। आफ्ताब भाई, भाई भी सो रहे हैं। भाई को तकिया लेते, कहें सही है, साफ है, चलो फिर बनाते हैं चाय, फिर सब पियेंगे चाय। जिनकी जमाई जमवाई का कहते हैं इसको, जमवाई कहते हैं। 10-15 हम लोग के यहाँ पे आके बहुत सुकून मिल गया। हाँ, पहले जो सोच रहा था जैसे तैसे एडजस्ट हो जाती कूलिंग में जो चल रही नॉर्मल, तो हम लोग को तभी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग ने भैया भी बिल्कुल भी नहीं चल रही है कैसे क्या हो, फिर उसने रिमोट दिया, फिर अपने लोग ने 16 पे लगाया, तब कहीं पूरी कूलिंग पूरे रूम में मेंशन। हाँ, रूम था बड़ा, वो 25 पे चल रही थी और
बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद सिस्टीन पे चली तो उसने कूलिंग खूब अच्छी करी। और ये देखो किचन का पूरा, अब पी किचन में देखो क्या कर रही है। चलते हैं देखते हैं, कह रही यहाँ पे और क्या चीज़ है वहाँ पर। ये देखिए हमारे किचन में कप अप की कोई भी कमी नहीं है, ताकि हम लोग कप लेकर आए भी नहीं थे। और यहाँ पे पूरा चीज मिल गया है और बहुत अच्छा। ठीक है गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर कप अप की कोई भी दिक्कत भी नहीं है, ताकि हम लोग कप लेकर भी नहीं आए थे। अब भी डिस्पोजल लेकर आए थे और यहाँ पर कप के पूरे डिब्बे हैं। डिस्पोजल भी है, डिस्पोजल तो है पर हमें डिस्पोजल के। और पूरी घर वाली वाइफ राजा देखो यहाँ पर हर चीज रखी है, हम लोग कोई भी नहीं, हम लोग डिस्पोजल लेकर आए थे, यहाँ कप के डिब्बे रखे हैं। नहीं ये जो ये दिया किचन का ये नहीं नहीं इसका जो किचन की दिया है बहुत अच्छा दिया। लाइटर होएगा तो सब इसमें कबाड़ में पड़े होंगे ना, हम लोग को थोड़ी ना पता होगा। चलो बंद कर राजा देखो, ये इधर देखो पट्टी दो किचन ये लॉक की दिया, देखो सब कुछ है समझे। ये उसमें क्या हुआ ले हाँ ये देखो राजा ये वाले में क्या देखने जा रहा, ये देखा डिब्बे रखे हैं नए नए, वो रखे हैं हमें लगता है लेमन सेट एट कांच के सब। चलो खोल के देखते हैं है क्या चीज। तन्नू तन्नू सामने सटो बाबा की चादर, ये बंद करो ये बंद करो, खोल के देखो। नहीं भाई वो खुद गाइस देखिए नए नए कप हैं, बिल्कुल न्यू न्यू कप हैं। देखे तन्नू राजा देखे कप, ये राजा कह रहे मिले हैं भैया चाय पीना। नहीं हुआ है नया हाँ, हम लोग लाइटर भी नहीं लाए, माचिस वहाँ पे भूल गया। सीख बोटी कैसे? सीख बोटी कैसे? वहाँ मिलती है। नहीं यहाँ तुम्हें क्या मिल गया सीख बोटी का? माचिस नहीं मिल गई। अच्छा सीख मिल गई है, हर चीज इंतजाम है, किसी चीज की दिक्कत नहीं। जब ही तो कह तो रहे थे जब आप ये वाला रूम लेंगे तो पूरी चीजें किचन की मिलेंगी। रूम है हम लोगों का है लेकिन उसमें अच्छा ये पर्सनल है, हर एक चीज रहा है। माचिस भी इतनी नहीं थी तो देखो वहाँ पे निकल आई माचिस। हाँ चाय बन चुकी है जो कि अप्पी चाय बना चुकी हैं और ये राजा अपने बेड पे बैठ गए फोटो शूट करवा रहे हैं। अप्पी तुमने चाय बना ली हुई है ना, ये देखें चाय, ये चाय तो कलर अच्छा आया है। और ये तनस शूट करती हुई अम्मा चाय यहाँ पे बैठ के पी लो, कहाँ पी रही, ये भाई चाय पी रहे हैं और ये अम्मा, ये अप्पी चाय पी रही। यहाँ पे सब लोग चाय पीते हुए अर्शी की दुनिया चाय बना के अप्पी चाय बना लाई है तो अर्शी पी रही है। और ये आफ्ताब भाई को जिद करी जा रही है, आफ्ताब भाई तुम चाय पी लो, उन्होंने चाय नहीं पी हुई। अम्मा है अब्बा है और नमरा सो गई हैं फिलहाल और तनस अपना भाई का फोटो शूट कर रही, फिर साबुन है। और राजा कैसा रहा, चाय कैसी लगी राजा, रूम कैसा रहा तुम्हारा? इधर देखो तो गोरे लग रहे हो तुम, है ना? किचन चलता है फ्रेंड्स साथ में,
और ये गैस चूल्हा लेके चलते हैं, सिलेंडर का चूल्हा लेके चलते हैं। एक फोटो नहीं खींचे पा रहे यहाँ पे मार कुट्टी राजा करने ने जैन अपनी बहन को डांट रहे हैं कि तुम अच्छे से फोटो नहीं। अब ये बताओ जो जैसा होगा वैसे ही तो आएगा, काले हो गए तो काले आएगा, गोरे हो गए तो गोरे आएगा। यहाँ राजा के फोटो से अपी काफी बड़ा रूम है और काफी कंफर्टेबल भी है। गाइस तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए पूरा ब्लॉग। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अर्शिक दुनिया को जाकर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा।